का डिज़ाइन करेंगे ब्लैंकेट स्टिच और नॉट स्टिच का यूज़ करके। देखिए इसके लिए मैंने डिज़ाइन जो बनाया है वो देखिए इस तरीके का फ्लावर बनाया है, ये देखिए इस तरीके का फ्लावर बनाया है। इस फ्लावर को अब हम ब्लैंकेट स्टिच से करेंगे, देखिए इसे, ये देखिए इस तरीके का ये फ्लावर है, इसको हम जो है ब्लैंकेट स्टिच का यूज़ करके इसे पहले फिल करेंगे। इसको देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से इस पॉइंट से ये मैंने कई सारी पेटल्स बनाई हैं इसकी। और देखिए इसको हम ब्लैंकेट स्टिच इस तरीके से करते हैं, देखिए ऐसे इस वाली पेटल को बेस लेके हम इस तरीके से करते जाएंगे। ये ऐसे और ये यहीं लॉक कर दिया। इस तरीके से फिर हम इसको यहाँ से दूसरी पेटल पे करेंगे, लगभग डिस्टेंस सेम ही रखेंगे पेटल का, जो 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 जिस साइज का इतनी इतना डिस्टेंस रखा है वो एक ही जैसा रखेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारी पेटली लगभग बन गई है। एक और ले लेते हैं जाए, इस तरीके से इसमें एक एक करके पैटल बनाते जाएंगे। और सारा हम ब्लैंकेट स्टिच ही यूज़ कर रहे हैं।
देखिए इस तरीके से ये तरीके से देखिए इसकी ये पेटल्स बन रही हैं। ब्लैंकेट स्टिच हम नॉर्मली सीधा सीधा करते हैं, ये हम पेटल्स में देखिए एक के ऊपर एक रख के कर रहे हैं इस तरीके से, हर पेटल को इस तरीके से कर रहे हैं ताकि देखिए ये एक स्पाइरल लुक दे रहा है इस तरीके से, राउंड राउंड को वो में ले रहा है ये। बस ये लास्ट पेटल बची है, इस पेटल को कंप्लीट करके आगे कैसे करना है ये स्टार्ट करेंगे फिर। इस तरीके से ये पूरी पैटर्न्स बन गई हैं। इस तरीके से एक एक पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया है, कुछ स्टेप्स में बनेगा ये देखिए कि हमारा इस तरीके से ब्लैंकेट स्टिच हो गया है। अब इसके बाद अभी हम सेम कलर लेके जो ये मैरून कलर है इसी कलर का यूज़ करेंगे अभी हम। अब इससे क्या करेंगे देखिए, जो ये हमने ब्लैंकेट स्टिच यहाँ बनाई थी ये देखिए
ये जो बनाई थी, कहीं से भी हम स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं हम इसे, और हम इसके ऊपर ही एक बार फिर से बनाएंगे। इसकी आउटलाइन थोड़ी थिक हो जाएगी, देखिए ये ऐसे। हर एक ब्लैंकेट स्टिच इस पे जो करिए, हर एक पर ही इस तरीके से, ये थोड़ा ये हाईलाइट हो गया, अगर हमने इस पे डबल कर दिया है तो ये थोड़ा सा एक बार इससे होने से ये बिल्कुल अलग दिख रहा है ये। सिर्फ थ्रेड के ऊपर से ही लेंगे, जो थ्रेड देखिए ये ऐसे किया हुआ है, सिर्फ उसी पे से ही ले रहे हैं।
है, देखिए बिल्कुल अलग है, इसमें सब जितनी भी पेटल्स हैं वो बिल्कुल हाईलाइट हो गई हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये हाईलाइट भी हो गया, और ये इस तरीके से ब्लैंकेट स्टिच हमने करी है। ये थोड़ा वेरिएशन है ब्लैंकेट स्टिच का। अब इसके बाद हम जो करेंगे, अब थर्ड स्टेप जो है उसको हम उसमें करेंगे, नॉट स्टिच का यूज़ करेंगे हम उसमें। ये देखिए इसमें ये हो गया है, अब मैं नॉट स्टिच का यूज़ करूँगी इसमें। इसको हम डबल कर लेते हैं, थोड़ा सा थिक रखेंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, नॉट स्टिच कैसे यूज़ करनी है हमें, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, ये देखिए ऐसे करा हमने, कि नॉट स्टिच हम इस तरीके से इसमें यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से इसकी फिलिंग जो है ये ऐसी होगी, ऐसे ये हर एक में करेंगे हम। इसमें कलर फिल होता है और अलग ही लग रहा है, कोई भी लाइट डार्क कलर, कोई कंट्रास्टिंग कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर करेंगे उस कलर से इसमें कंट्रास्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये फिल हो गया, ये
मल्टी कलर भी कर सकते हैं, जैसा कलर आपको पसंद, जैसे भी डिज़ाइन आपको लगे कि हम इसे बना सकते हैं वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कलर करना चाहें सिंगल कलर करें, आप टू कलर्स में अगर करना चाहते हैं तो इसे टू कलर्स में भी कर सकते हैं, वो तो अपनी पसंद है आपकी कि आप किस तरीके से डिज़ाइन उसमें करना चाहते हैं। इस तरीके से ये हमारी पेटल्स कवर होती चली जा रही हैं। कैसे ये कंप्लीट इस तरीके से ये बन गई है, देखिए ये ऐसे, देखिए इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। फिल होने के बाद ये बहुत सुंदर लग रही है देखने में। तरीके से इसको फिल हम करते जाएंगे, क्योंकि पेटल्स इसमें ज़्यादा हैं इसे थोड़ा टाइम लग रहा है इसे करने में, पर ये बन के बहुत सुंदर लगेगी जब आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। कितने भी कलर कॉम्बिनेशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आएगा। पूरा मैं आपको करके इसलिए दिखा दे रही हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा होगा, ये आपका पूरा कंप्लीट होने पे ही पता चलेगा। स्टार्टिंग करके और एंड सिर्फ दिखाएंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि लुक कैसा आया है, इसलिए पूरा करके दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये इस तरीके से इसको हमें बनाना है। तो ही पैटर्न सब बाकी हैं इसमें करने को। पूरा एक कंप्लीट फ्लावर लग रहा है ये, जितना ये बना है पूरा फिल होके एक बहुत अच्छा हैवी लुक दे रहा है उसका, कि
कि बस इसमें थोड़ी सी लीव्स और कर देंगे आप, तो बस ये पूरा एक कंप्लीट फ्लावर है, दो तीन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉट लगाना बहुत ही इजी है इसे करने के लिए। ये देखिए इतना हो गया है, बस एक हम एक बार और इसको थ्रेड यूज़ करके ये कंप्लीट हो गया हमारा। ब्लैंकेट स्टिच पता ही नहीं चल रही है कि ये जो हमने आउटलाइन करी है ये ब्लैंकेट स्टिच का यूज़ करके करी है। बिल्कुल ही बहुत अच्छा है इसका लुक आ रहा है करने के लिए। डेकोरेटिव एक तरह से कहिए कि डेकोरेटिव स्टिचेस हैं ये सारी की सारी। और पैटर्न्स बिल्कुल अलग, सिंपल फ्लावर से थोड़ा सा अलग ये बना है, तो देखने में और भी अच्छा लग रहा है। ये कंप्लीट फ्लावर इसका इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है। और जो हमारा सेंटर है ये देखिए, ये जो सेंटर है हम चाहें तो इसी कलर से ही कर सकते हैं, नॉटिंग इसी कलर से कर दें या हम कोई दूसरा कलर लेके भी हम इसमें स्टिच कर, ये देखिए एक एक सेंटर में इस तरीके से कर दिया। ये देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल देखिए इस तरीके का ये पैटर्न बना है ये फ्लावर। तो आप इसको ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।